एक साल के छोटे से समय में बहुत सारी चीजें नई शुरू हुई हैं, बहुत सारी चीजों को सुधारा गया है। अभी चार साल का समय और बाकी है, क्या विजन है इस चार साल में, आप क्या देखना चाहती हैं अपने विभागों में? देखिए, अगर हम बात करें, हमारी शुरुआत करें महिला एवं बाल विकास विभाग से, तो हमारा विज़न यही है। सबसे पहला तो कि जो लिंग अनुपात में हरियाणा के माथे पर एक दाग लगा था कि सबसे ज़्यादा कि अगर लड़कियां कम हैं या घर में लड़कियां मारी जाती हैं, महिलाएं सशक्त नहीं हैं, तो वो हरियाणा के अंदर हैं। तो इन 5 सालों के दौरान हमने परिवर्तन लाते हुए हरियाणा राज्य को नीचे से फर्स्ट नंबर पर नहीं, ऊपर से फर्स्ट नंबर पर लेकर आना है। हमारा ये चैलेंज रहेगा और इस दिशा की ओर हमारा पूरा विज़न, हम लोग लगातार काम करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, जैसा कि आपको पता है, आंगनवाड़ी के तहत तकरीबन 26,000 आंगनवाड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। तो एक बच्चों को साफ सुंदर सुरक्षित वातावरण मिल सके, उसके लिए हमारा प्रयास यही है कि इस वर्ष के दौरान हमने 1600 आंगनवाड़ी पक्की करी हैं, अपने भवन मिले बच्चों को। और उसके साथ साथ बच्चों को भवन के साथ साथ कि जब बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं आंगनवाड़ी के अंदर, कि जब बच्चे वहाँ से निकल कर आएँ तो उनको एक स्कूल की शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है, कि जब 6 साल के बाद बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो यही बात आती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक प्राइवेट स्कूल में, कि कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क आता है। तो हमारा प्रयास है ये इस वर्ष, आने वाले वर्षों के अंदर, कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कीम के तहत बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से एक ऐसी शिक्षित पैटर्न भी, उनको शिक्षा का पैटर्न दें, ताकि वो बच्चे किसी भी रूप में प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चों से कम ना हो। दूसरा, जो एक न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें, क्योंकि वही बात आ जाती है कि महिलाएं और बच्चे सबसे अगर अपेक्षित अगर कहें तो वो हरियाणा के अंदर है। तो हम लोग आने वाले सालों के अंदर न्यूट्रिशन मिशन और न्यूट्रिशन पॉलिसी की स्थापना करने जा रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को और महिलाओं को एक स्वस्थ भी, उनको स्वास्थ्य सुरक्षित होगा तभी वो आगे काम कर सकेंगे। और इसी तरह से महिलाओं को सशक्त करने की भी अनेक योजनाएं हमारी आगे चल रही हैं, ताकि जो महिलाएं सेल्फ किसी भी तरह से, कि वो अपने अपने ग्रुप्स बनाकर, जैसे सैनिटरी पैड्स बनाने का काम है या पंजीरी बनाने का काम है या और काम्स है, वो उन महिलाओं को दिए जाएं और सरकार उनको, ताकि एक आर्थिक रूप से भी, हमारा प्रयास यही है कि महिलाओं को हम ना केवल आर्थिक रूप से सशक्त करें, इवन उनको सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त करें। और उसके लिए समय समय पर उनकी सेमिनार्स आयोजित करना, चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से, चाहे वो हमारे लगातार उस रूप में हमारे चलेंगे। तो हमारा यही विज़न रहेगा। मैडम, आपने बात की विज़न की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगले 4 सालों में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? बिल्कुल, उसमें जैसे मैंने हमारे 21 पुलिस थानों के अलावा, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने वन स्टॉप सेंटर की अगर बात करें, तो करनाल के अंदर हमने सखी के नाम से वन स्टॉप सेंटर भी बनाया है, जहाँ की इसकी खासियत यही है वन स्टॉप सेंटर की, कि जो कोई विपरीत परिस्थितियों में एक पीड़ित महिला या बच्ची वहाँ पर आती है, तो उसको एक ही छत के नीचे, चाहे उसमें पुलिस सुरक्षा की बात करें, चाहे वकील की बात करें, डॉक्टर की बात करें, या एक काउंसलर की बात करें, एक मनोवैज्ञानिक रूप से चिकित्सक की बात करें, उसके अलावा अगर उसे कुछ दिन तक रखना भी हो तो एक शेल्टर भी वो वहाँ पर मुहैया उसको कराया जाएगा, ताकि एक उसको फील हो सके कि अब वो सही जगह पर आ गई है और जिस तरह से उस महिला का उत्पीड़न हुआ है उसको सही रूप से न्याय भी मिल सकेगा। क्योंकि देखा जाता है कि अगर कोई बलात्कार की शिकार बेटी है या महिला है, तो उसको जगह जगह पर धक्के खाने पड़ते हैं, कभी सिविल हॉस्पिटल जाना है, कभी वकील ढूंढना पड़ता है, कभी गवाहों के बयान देने पड़ते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल रूप से वो इतनी पहले ही इतना डिस्टर्ब हो जाता है वो पीड़िता, और उसका परिवार भी एक पीड़ित बन जाता है उस समय में। तो इस तरह के वातावरण से उनको मुक्त करने के लिए एक वन स्टॉप सेंटर हमने खोला है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ये विज़न भी है कि इस तरह के वन स्टॉप सेंटर वो हम आने वाले दिनों के अंदर, जो हमारे महिला पुलिस थाने बने हैं, कि उसके साथ ही हर एक जिले के अंदर भी उसको बना दिए जाएं, ताकि महिलाओं को और सुरक्षित वातावरण हम एक महसूस करा सकें कि प्रदेश की सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवाया है। जी, निस्संदेह जो वन स्टॉप सेंटर की आपने बात की, ये महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा
क्योंकि देखा जाता है कि आमतौर पर महिलाएं जो पीड़ित होती हैं अगर वो किसी के पास जाएं तो बहुत सारा मेंटली वो आपने कहा कि डिस्टर्ब होती हैं, तो इस तरह की जगहों पर आके जो उन्हें एक सुरक्षा तो मिलेगी साथ में काउंसलिंग भी मिलेगी जिससे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सके। एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है 109 नंबर, हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि 1091 हेल्पलाइन के साथ साथ इसको कनेक्ट किया गया है जो हमारी पुलिस की हेल्पलाइन है या हमारे दूसरे विभागों की भी जो भी हेल्पलाइन नंबर्स है कि वहाँ पर कॉल करने के पश्चात अगर किसी भी विभाग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर दी जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि हमारी प्रदेश की महिलाएं, हमारी जो बेटियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको योजनाओं को लाभ उठाते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। और अगर मैं, क्योंकि बेटियों का मामला है, महिलाओं की बात है, तो हमारे सरकार की एक और उपलब्धि है, चाहे वो पुलिस विभाग के द्वारा इनिशिएटिव ली गई हो, इसके अंदर ये है कि महिलाओं की जो PCR वैन्स हैं, मोबाइल, उनको मोटरसाइकिल्स भी प्रोवाइड की गई हैं कि आज जो महिलाएं हमारी पुलिसकर्मी हैं वो ना केवल PCR वैन पर भी जाती हैं, बाइक्स पर भी घूमती हैं, और महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण का एहसास होता है। और सोनीपत पुलिस ने तो एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया है, दायित्व के नाम से एक ऐप उन्होंने डिज़ाइन की है कि अगर कोई महिला उस ऐप को, कोई भी महिला बेटी उसको डाउनलोड कर सकती है, वो फ्री ऐप है, और मुसीबत के वक्त वो सिर्फ एक बटन पुश करके करेंगी तो एक जो कॉल सेंटर बनाया गया है वहाँ पर उनका मैसेज चला जाता है कि वो एक उसे मदद की आवश्यकता है, और उस सेंटर से बकायदा उस नंबर पर कॉल बैक आती के पूछा जाता है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, और जो भी बेस्ट पॉसिबल सहायता होती है जितने कम से कम समय में उस मुसीबत में घिरी हुई बेटी को, महिला को अगर प्रोवाइड कराने का वो जिम्मा पुलिस बहुत अच्छे से सोनीपत पुलिस वहन कर सकती है। और ये हमने जो पायलट प्रोजेक्ट लिया है, मैं समझती हूँ अगर ये कारगर रहा तो धीरे धीरे हम इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। जी, बहुत अच्छी योजना जो आपने कॉल सेंटर की बताई है वो महिलाओं को सुरक्षित वातावरण का एहसास दिलाने के लिए बेहद कारगर होगी, ऐसा हमें विश्वास है। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने एक साल की उपलब्धियों पर बड़े विस्तार से हमें जानकारी दी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।